अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल UF रिएक्शन। दिस इज उसामा, दिस इज मारिया। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक दफा फिर से एक मजेदार किस्म की वीडियो लेके आपके सामने हम दोनों हाजिर हो चुके हैं। सो गाइस, उमर भाई थोड़ा बिजी है, जिसकी वजह से उमर भाई हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार उमर भाई क्यों नहीं साथ में, उमर भाई जरा थोड़ा काम में। बिल्कुल ऐसे उमर भाई काफी देर से मतलब बिजी है, जिसकी वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो इंशाल्लाह जल्द ही हमारे साथ कम बैक करेंगे और वीडियो में भी हमारे साथ आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक दो फिर से एक मजेदार किस्म की वीडियो लेके हम दोनों आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। सो गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो हमेशा की तरह स्पोर्ट इम्यूनिटी के बारे में है। आज हम फिर से एक वीडियो लेके आए हैं फ्री मोशन भाई फिरोज हसन भाई की, एक दो फिर से एक वीडियो लेके आए हैं। तो गाइस, बहुत जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं, उसी पर एक वीडियो लेके आज आए हैं। बाकी बातें हमेशा की तरह बाद में डिस्कस करेंगे, मेरे ख्याल से पहले वीडियो को देख लेते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे और वक्त पे मिल सके। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, है वी गो। माशाल्लाह विशाल मस्त कोई किसी करे से अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, जाबिन ने एदिके एदिके। अस्सलाम वालेकुम, ভালো আছেন? একটা মাছ খেতে শখ হয়েছে, আপনি আমার একটা মাছ কিনে দেন। বাজারের সবচেয়ে বড় মাছটা নিয়ে গেলেন আপনি। আপনি এনে তো কাছে পালের বাজার, পালের বাজারে তো নিয়ে আসে কত দিতাম দাম কত? 5-6 কেজি। না আপনি যান 3-4-5-6 কেজি যাওয়া হয় নিয়ে আসুন। ১০,০০০ আমি চাইতাম না। আচ্ছা, 5-6 কেজি আলো হইলে সর্ব 5-6 কেজি আলো হইলে দিই হবে। যদি রুই মাছ না পান তাহলে কাতলা মাছ লেন। হ্যাঁ, যদি যদি 2-1 কেজি বেশি হয় কম লেবেন না? বেশি লেন আল্লাহর তরফ। 7-8 কেজি যাইয়া। আচ্ছা, আমি এখানে আছি। হ্যাঁ, मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट डे आए होंगे। माशाल्लाह विशाल मस्त কয় কেজি করে হয়েছে? 1-1.5 কেজি। দুইটা এটা দেবো। মাছ তাজা কিরকম? এটা আপনাকে সেখানে রাখেন বোন আপনি বসে। अच्छा, मेरे ख्याल से उनको पैसे बकाया दे रहे हैं। हाँ, जो बचे थे उनके पैसे। हमें तो मास्क भी सिलाम आपने लिया। ऐसा मास्क जानी थी उन्हें। हमें तो किन से आपने लिया? মাছ একটা আমার দেন আর একটা নিয়ে যান।
আপনার মাছ দোনোটা নিতে মন চায় না এত হ্যাঁ আলো গলে যদি গঞ্জে দোনোটা নিতে মন চায় তাহলে দোনোটা নেন যদি দোনোটা নেবেন দাদা আলো যদি আলো নিতে চান গো তো লয়ে যা না থাক দোনোটা আপনি লয়ে যা আপনি মন খারাপ হয়ে গেল আপনি তো হাসিটা সুন্দর বেশি ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম जी। तो गाइज ये थी वीडियो और काफ़ी खूबसूरत वीडियो ये बनाते हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं फिरोज़ भाई। अब ये देखा इसमें दिखाया यही गया कि मतलब स्टार्टिंग में मतलब एक अंकल को वो रोकते हैं, ठीक है, उसके बाद वो उनको पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद वो उनको मेरे ख्याल से फिश वगैरह उनसे मंगवाते हैं और वो फिर लेके आते हैं फिश और जो पैसे बचते हैं वो उन्हें वापस भी देते हैं। बिल्कुल ऐसे उनको बकाया वापस देते हैं। देखिए मतलब ये देखिए आप उनकी ईमानदारी कितनी अच्छी है कि मतलब वो ईमानदार हैं और हक हलाल की खा रहे हैं तो उन्होंने कहा बकाया पैसे भी मैं उनको वापस दूंगा, वरना आज के दौर में आपको पता है बेईमानी भी बहुत ज्यादा होती है, जो साफ सी बात है। तो दूसरी चीज ये कि मतलब उसके बाद उन्होंने इसको बोला कि मतलब उनको बोला कि ना आप अपनी फिश वगैरह जो है मुझे दिखाएं और काफी उन्होंने दिखाई और काफी खूबसूरत फिश वगैरह थी, है ना। तो उसके बाद फिर उन्होंने देखा तो देन उनके बाद उन्होंने बोला कि ना मतलब बकाया पैसे आप अपने पास रखे और उसके बाद उन्होंने और पैसे उनको दे दिए और देने के बाद उनको वापस कहा कि फिश भी आप अपने साथ ही ले जाएं और मतलब वो इतना खुश होते हैं, मतलब स्माइल करते हैं, उनके हाथों को मतलब चूमते हैं। और मुझे फिरोज भाई की यही आदत इतनी अच्छी लगती है कि इतना अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल ऐसे अच्छी हेल्प लोगों की करते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलने देते कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं। दूसरी चीज ये वही बात कि मतलब उन्होंने फेस अपना जो है मतलब कवर किया होता है, किसी को दिखाते किसी नहीं, देखा ना मतलब जब उनके साथ उन्होंने हक किया था, यही अच्छी आदत है उनकी, बिल्कुल हक किया था तो उसके बाद ये कि उन्होंने हेलमेट भी पहना था और हमें साथ में एक और भाई देखने को भी मिले थे, है ना, देखने को आज हमें फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिले, वरना हमेशा फिरोज भाई जो होते हैं अकेले ही होते हैं उनके साथ, भाई के साथ ही थे, साथ ही थे बिल्कुल, शायद मेरे ख्याल से उनके कोई फ्रेंड वगैरह भी हो सकते हैं। तो गाइज ये बड़ी अच्छी बात है कि यार आप एक दूसरे की मदद करते हैं और अगले को फील भी नहीं होने देते, ये बहुत अच्छी बात है और हमें भी हम सबको भी यही चाहिए कि एक दूसरे की हेल्प किया करें, जो नीडी पर्सन होते हैं उनकी हेल्प करना चाहिए, बेशक वो मतलब कुछ लोग होते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं वो किसी से हाथ नहीं फैलाते, आप किसी बहाने से उनको दे दें ताकि उनको फील भी ना हुआ करे कि आपने उनकी हेल्प की है। जिस तरह ये फिरोज भाई हेल्प करते हैं वैसे ही आप भी हेल्प, बिल्कुल, और वैसे भी जिस तरह पहले आप सबसे पहले ये देखें कि आपके इर्द गिर्द आपके पड़ोसी वगैरह हैं उनका पहले हक है, पहले आप उनको देखें कि कोई है इस तरह का पर्सन जो मतलब ज़रूरतमंद है, जिसको मतलब पैसे वगैरह की ज़रूरत है, तो आप पहले उनको जाके उनकी हेल्प वगैरह करें और मतलब किसी ऐसे तरीके से करें कि उनको फील भी ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब ये वीडियो देखने का मकसद ये नहीं होता कि खाली वीडियो को देखा जाए, इस पर अमल भी करना चाहिए और ये हमें नहीं, हम सबको मिलके करना चाहिए ताकि हम सब मिलके करेंगे तो फिर ही जो है हम एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं और यही एक अच्छी बात है एक मुसलमान होने की। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, तो फिरोज भाई की वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा, इनका जो चैनल है उसकी भी जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो इसको भी चेकआउट कीजिएगा। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को भी लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।